18.2 कितना कचरा, कैसा कचरा। दिन भर में हम कचरे की कितनी मात्रा निकालते हैं, आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप एक, एक मध्यम आकार की बाल्टी लें। इसमें एक दिन के लिए अपने घर से निकलने वाले कचरे को इकट्ठा करें। यह मात्रा आपके परिवार द्वारा एक दिन में निकाले गए कचरे की मात्रा होगी। इस प्रकार आप अपने आसपास में रहने वाले लोगों तथा कॉलोनी, शहर, गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा निकाले जाने वाले कचरे की लगभग मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। सोचिए कि अगर इतना कचरा रोज निकलकर एक जगह इकट्ठा हो तो क्या होगा, इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, इस कचरे व इससे जुड़ी समस्याओं का निपटारा कैसे किया जा सकता है। अगर आप कुछ दिनों तक अपने घरों से निकलने वाले कचरों को देखें तो आप पाएंगे कि इसमें अधिकांश मात्रा सब्जियों व फलों के छिलकों और बची हुई खाद्य सामग्री की होती है। क्या यह कचरा लंबे समय तक ऐसे ही बना रहता है? आपने भी अनुभव किया होगा कि इस प्रकार का कचरा थोड़े समय बाद सड़ गल जाता है। सड़ने गलने की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों के कारण संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव इस कचरे में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। इस प्रकार के कचरे को जैविक रूप से नष्ट होने वाला जैव निम्नीकृत कचरा कहते हैं। घरेलू कचरे में बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय के बाद भी वैसे ही बने रहते हैं, जैसे प्लास्टिक का सामान, पॉलीथीन, धातु, कांच, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ आदि। अतः वो कचरा जो जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो सकता, उन्हें जैव अनिम्नीकृत कचरा कहते हैं। आपके विचार से इनका आगे क्या होता होगा? सामान्य तौर पर हम इस कचरे को या तो किसी एक जगह पर फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं। अभी तक हमने अपने घरों से निकलने वाले कचरे की ही बात की है। घर के अलावा और भी स्थान है जहां से प्रतिदिन काफी मात्रा में कचरा निकलता है। इन स्थानों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, चिकित्सालय, बाजार व शासकीय व अन्य संस्थान शामिल हैं। हमारे घरों से तो कबाड़ी कचरा ले जाता है, पर इन संस्थानों से निकलने वाले कचरे का क्या होता होगा? घरों से इकट्ठे किए गए कचरे का कबाड़ी क्या करते होंगे?